हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली मिठाई रसगुल्ला। उसके लिए ये 2 लीटर हमने काउ मिल्क लिया है, गाय का दूध। इसे मैंने गैस पे गर्म करने के लिए रखा है। हमारे दूध को उबाल आ चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और दूध को थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। ये हमने 2 टेबलस्पून नींबू का जूस और उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के मिक्सचर बनाया है। ये हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने 10 मिनट पहले ही ऑफ कर लिया है। अभी हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इसे, फिर बाद में हम इसमें ये ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे कर्डल करेंगे, दूध को फाड़ेंगे। आप देख सकते हो ये हमारा दूध, ये देखिए इस तरह से पक चुका है। अभी ये इतना हमारा ये बच्चा है, हम ये नहीं डालेंगे इसमें। और इसे हम अभी छान लेंगे। डाली पे हमने ये कपड़ा डाल लिया है और इसमें हम ये जो पनीर हमारा बना है छेना, ये हम इसमें डालेंगे। ये जो छेना बना है इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और इसे हाथ से अच्छे से धो लेंगे। इससे हमारे छेने का जो पकने का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, क्योंकि हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं और दूसरा इसमें जो नींबू का स्मेल है वो भी निकल जाता है। तो इसलिए हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अभी हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे टांग के रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसे हमने 20-25 मिनट के लिए बांध के रखा था। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, अभी हम इसे मस लेंगे। मसलते टाइम हम इसे हाथ के इस पोर्शन से मस लेंगे ऐसे। ये देखिए इसे, हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट है। हमें जो छेना है इसे 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही मसलना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट उसके गोले बने। ये देखिए, धीरे धीरे इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे छेने में से कितना ऑयल ऐसा निकल रहा है। अभी हम ये इसमें 2 टीस्पून, ये टीस्पून है, ये 2 टीस्पून हम इसमें एक कॉर्न फ्लावर डालेंगे। आप मैदा यूज़ कर सकते हो, आरारूट यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें ये कॉर्न फ्लावर डाल रही हूँ। ये हमने 2 लीटर का बनाया है इसलिए हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। वापस से 2 मिनट के लिए हम हाथ से ऐसे नीचे के पोर्शन से इसको ऐसे मस लेंगे। एक बड़ी कढ़ाई हमने रख ली है, इसके ऊपर हम ये 1 कप इसमें शक्कर डालेंगे सिरप बनाने के लिए और उसमें हम 5 कप पानी डालेंगे। सिरप को हम उबलने देंगे। ये 6-7 हमने इलायची लिए हैं, छोटी हरी इलायची, इसको हमने ऐसे बीच में सिर्फ कट करके इसमें डाला। इसे सिरप को हम उबलने देंगे, तब तक हम गोले बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम साइज का मैंने लिया है गोला। इस तरह से मैं सभी गोले बना लेती हूँ। हमने सभी बॉल इसमें डाल लिए हैं। अभी 3 मिनट हम इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही उबलने देंगे। शुगर सिरप हमारा उबल रहा है, उसे ऐसे ही रहने देंगे। ये 3 मिनट हो चुके हैं इसमें डाल के बॉल्स को। अभी हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए, सभी बॉल्स को हमने पलट लिया है। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन रखती हूँ और 8 मिनट के लिए इसे हम रखेंगे।
गैस का फ्लेम हमने बड़ा ही रखना है क्योंकि कंटिन्यूसली उस पर उबाल आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले कितने फूले फूले बने हैं। ये अभी हमारे 7-8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम वापस से इसे 7-8 मिनट के लिए रखेंगे। तो मैं सबको पलटा लेती हूँ दूसरी साइड पे। और इस शुगर सिरप है ना, उसकी कंसिस्टेंसी पतली ही रहनी चाहिए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। और दूसरा, पानी की लेवल भी कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने बाजू में पानी उबालने के लिए रखा था, ये इसमें मैं ऐड करती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे हम इसमें, बीच बीच में हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी वापस से इसके ऊपर मैं ढक्कन रखती हूँ और 7 मिनट के लिए मैं इसे रखती हूँ। ये 7-8 मिनट हो चुके हैं। गैस के फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ कि अपने रसगुल्ले कैसे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बनाया था उस साइज से ये 2-2.5 गुना बड़ा है। सभी ऐसे ही फूले हैं। तो अभी हम इसका एक ट्रायल लेते हैं। ये एक कटोरी में मैंने सादा पानी लिया है जिसमें हम ये रसगुल्ला डालेंगे। अगर ये नीचे बैठ जाता है तो ये पक्का है। ये देखिए, पूरी तरह से रसगुल्ला नीचे बैठा है, इसका मतलब ही उसने शुगर सिरप को अच्छे से सोक कर लिया है। थोड़ी टाइम पहले जो हमने पानी में रसगुल्ला डाल के रखा था ट्रायल के लिए, कि ये देखो इसमें शुगर सिरप अच्छे से सोक हो गया है। ये आप खुद ही देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसका साइज देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। मैं अभी आपको इसमें कितना शुगर सिरप अंदर है ये दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब एकदम पूरा उसमें, ये देखिए इतना शुगर सिरप इसके अंदर अभी है। वापस से मैं इसे एक बार इसमें डालती हूँ तो दिखाती हूँ कि ये पूरा वापस से सोक कर लेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ला बहुत ही अच्छे बने हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, चाहिए तो मैं एक बार वापस से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है पूरा हमारा रसगुल्ला। अभी इसे हम फ्रीज में रखेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। आप इसे 5-6 घंटे ऐसे ही फ्रीज में रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे रसगुल्ले की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और जो ट्रिक्स और टिप्स मैंने बताए हैं उसे फॉलो कीजिए, तो आपके भी रसगुल्ले ऐसे ही बनेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।